नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वायरल टॉपिक में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर सवाल आ रहे थे रुक जाना नहीं योजना 2020 से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रुक जाना नहीं योजना 2020 के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो रुक जाना नहीं योजना है 2016 से स्टार्ट हुई है और दोस्तों लगभग पिछले 3 सालों से मैं रुक जाना नहीं योजना के ऊपर वीडियो बनाते आ रहा हूं। तो दोस्तों, आपको सही जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों, रुक जाना नहीं योजना आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, जो भी एमपी बोर्ड के स्टूडेंट 10th और 12th क्लास में फेल हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए योजना है। अगर आपकी सप्लीमेंट्री आती है तो दोस्तों आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। जो भी स्टूडेंट 10th और 12th क्लास में फेल हो जाते हैं, सिर्फ वही इसका पेपर दे सकते हैं। और दोस्तों, इस योजना को इसीलिए बनाया गया था ताकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो जाएं, वो किसी तरीके से दोबारा पेपर दे के अपना एक साल बचा लें और उनका साल जो है किसी तरीके से यहाँ पर वेस्ट ना हो। अब दोस्तों, अगर बात करें कि रुक जाना नहीं योजना एक साल में कितनी बार होती है, तो दोस्तों जब इसको स्टार्ट किया गया था 2016 में, सिर्फ उसी साल ये एक साल में 3 बार हुई थी। लेकिन उसके बाद से दोस्तों पिछले कुछ साल में सिर्फ ये 2 बार होती है। यानी कि आप रुक जाना नहीं योजना के माध्यम से 2 बार यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, 2 बार पेपर दे सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो जाते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए ये योजना है। अगर हम लोग बात करते हैं 12th क्लास की, अगर दोस्तों आप 12th क्लास में किसी एक सब्जेक्ट में फेल होंगे, तो आप सभी को पता है कि आपकी सप्लीमेंट्री आएगी। लेकिन अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या फिर 3 सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, या फिर 4 में, या फिर 5 में, या फिर दोस्तों आप सभी में फेल हो जाते हैं, तो आप इस रुक जाना नहीं योजना के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, एक खास बात यह है, ध्यान से सुन लीजिए, आप जितने विषय में फेल होंगे, आपको सिर्फ उतने ही विषय का यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप 2 विषय में फेल हैं, तो आपका सिर्फ 2 विषय का फॉर्म भराएगा। अगर आप 5ों में फेल हो, तो आपको 5ों विषय का यहाँ पे फॉर्म भराएगा और आपको 5ों विषय का यहाँ पे पेपर देना पड़ेगा। आप जितने भी विषय में फेल होते हैं, आपको उतने विषय का फॉर्म भरना पड़ेगा और आपके सिर्फ उतने ही सब्जेक्ट का यहाँ पे पेपर होता है। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसकी फ़ीस की, तो हर सब्जेक्ट की दोस्तों यहाँ पे अलग अलग फ़ीस होती है। सेम दोस्तों कंडीशन 10th क्लास में भी, अगर आप 10th क्लास में एक सब्जेक्ट में फेल होते हैं, तो आपकी सप्लीमेंट्री आती है। वहीं अगर आप 10th क्लास में 2 सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं, तो भी आपकी सप्लीमेंट्री आती है। लेकिन अगर आप 10th क्लास में 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो दोस्तों आपकी सप्लीमेंट्री नहीं आती, आप फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फेल हो जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि आपको जो 10th क्लास में फेल हुए या फिर 12th क्लास में फेल हुए, तो आपको दोबारा 10th या 12th क्लास पढ़नी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, अब आपके पास दूसरा मौका भी रहता है। आप जिन भी विषय में फेल हुए, आप उसका फॉर्म भर दीजिए, उसके पेपर होंगे। अगर आप उसमें पास हो जाएंगे, तो आप पास माने जाओगे। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि इसकी जो मार्कशीट आती है, वो एमपी बोर्ड की नहीं रहेगी। जब आप इस योजना से पेपर देंगे, तो आपकी जो मार्कशीट रहेगी दोस्तों, एमपी बोर्ड की नहीं रहेगी। क्योंकि दोस्तों, ये जो योजना होती है, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा चलाई जाती है। यानी कि दोस्तों, जो आपकी मार्कशीट रहेगी, उसमें ओपन बोर्ड लिखा होगा। दोस्तों, रुक जाना नहीं योजना की मार्कशीट के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया, उसके लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर जो कमेंट बॉक्स होता है वहाँ पर भी दे दूंगा। तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा कि जो रुक जाना नहीं योजना की मार्कशीट होती है, किस तरीके की आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें एमपी बोर्ड नहीं लिखा रहता, इसमें आपका लिखा रहेगा रुक जाना नहीं योजना। अगर आप पहली चांस में पास हो जाएंगे, तो पहली चांस लिखा रहेगा। अगर आप सेकंड चांस में पास होंगे, तो उसमें सेकंड चांस लिखा रहेगा। अब मैं बात करता हूँ इसमें कितनी कितनी यहाँ पे फीस लगती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हम लोग बात कर रहे हैं पहले 10th क्लास की। अगर आप एक विषय का फॉर्म भरेंगे, तो आपके यहाँ पे 605 रुपये लगेंगे। वहीं अगर आप 2 विषय का फॉर्म भरते हैं, तो आपके 1210। इसी तरीके से 3 विषय आप 1500, फिर 4 विषय का आपको दिख रहा होगा 1760। ये आपकी पूरी फीस है। वहीं अगर आपके पास BPL कार्ड है, या फिर आप ST SC कैटेगरी के अंदर आते हैं, या फिर आप फीमेल हैं, या फिर अगर आप 40% से अधिक विकलांग हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आपकी फ़ीस कम हो जाती है। एक विषय की बात करेंगे, तो आपको 415। वहीं 2 विषय की बात करेंगे, तो 835। 3 विषय की बात करेंगे, तो 1010 रुपये। इसी तरीके से नीचे दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास में अगर आप एक विषय का फॉर्म भरते हैं, तो आपका 730 रुपये लगता है। वहीं अगर आप 2 विषय का फॉर्म भरते हैं, तो आपका 1460 रुपये लगता है। इसी तरीके से 3 विषय का भरेंगे, तो आपको 1710 रुपये देना पड़ेगा। वहीं अगर आप ST SC में आते हैं, या फिर फीमेल कैटेगरी में आते हैं, या फिर अगर आपके पास BPL कार्ड है, तो आपका 12th क्लास में एक विषय का 500 रुपये लगता है, 2 विषय का 960 रुपये लगता है, 3 विषय का आपका 1110, और फिर आपको दिख रहा होगा 4 विषय का भरना है, तो आपको 1260, और 5 विषय का भरेंगे, तो दोस्तों आपके 1410 रुपये यहाँ पे फीस लगेगी। तो दोस्तों, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा डिटेल में देख लीजिएगा कि कितने सब्जेक्ट की यहाँ पे कितनी फीस लगती है। इसके बाद आपका 25 से 30 रुपये, जहाँ से भी आप फॉर्म भरेंगे एमपी ऑनलाइन से, वो आपका एमपी ऑनलाइन वाले 25, 30, जो 50, जो भी उनका चार्ज होता है, वो अलग से इसके बाद यहाँ पे लेते हैं।
आप अगर दोस्तों बात करें कि इसके पेपर कब होते हैं, तो जब आपका 10th और 12th क्लास का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब आपका 10th और 12th क्लास का रिजल्ट आता है उसी के बाद दोस्तों आपके सप्लीमेंट्री के फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्री के जो फॉर्म भराते हैं दोस्तों थोड़ा सा लेट भराते हैं, क्योंकि इसी बीच में आपका रीचेकिंग रीटोटलिंग के भी यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर बात करूँ इसका पेपर कब होता है, तो इसका पेपर दोस्तों आपका सप्लीमेंटरी के एग्ज़ाम के पहले हो जाता है। अभी तक की जो लास्ट ईयर तक की मैं आपको बता रहा हूँ, 3 साल की अगर मैं डाटा के हिसाब से आपको बताऊँ, तो जो आपका सप्लीमेंटरी का एग्ज़ाम होता है उससे पहले आपका रुक जाना नहीं योजना चांस 1 हो जाती है, और सप्लीमेंटरी एग्ज़ाम के रिजल्ट से पहले आपका रुक जाना नहीं योजना का रिजल्ट आ जाता है। तो दोस्तों अगर आप 12th क्लास में मान लीजिए 2 विषय में फेल थे या फिर 3 विषय में फेल थे, और अगर इस योजना के माध्यम से आप पास हो जाते हो तो आपका यहाँ पर साल पूरी तरीके से बच जाता है और आपको कॉलेज में एडमिशन यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। अब दोस्तों एक सवाल बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि जो इसकी मार्कशीट होती है, अगर आप मान लीजिए आप रुक जाना नहीं योजना से पास हो जाते हैं तो जो इसकी मार्कशीट रहेगी आप किसी गवर्नमेंट फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, सभी जगह इसकी मान्यता रहती है या फिर नहीं रहती है? तो दोस्तों जिसकी मार्कशीट रहती है सभी जगह वैलिड होती है, आप कहीं पर भी इसको लगाएंगे आपकी सभी जगह वैलिड रहेगी। बस आपका कहने का हो जाता है कि MP बोर्ड की नहीं है, MP ओपन बोर्ड की, और कुछ नहीं, सभी जगह वैलिड होती है, आप किसी भी फॉर्म में इसको लगा सकते हैं, आपको कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा, और अगर आपने 10th क्लास में दिया तो आपको 11th क्लास में भी यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब दोस्तों 2020 में आपकी रुक जाना नहीं योजना होगी या फिर नहीं होगी, तो दोस्तों वैसे तो ये हर साल होती है और 2020 में भी होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके 12th क्लास का एग्ज़ाम लगभग यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं। आखिरी जो पेपर आपका 16 तारीख को है, इसका मतलब कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, और एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आपका यहाँ पे रिजल्ट भी आएगा। अगर आपका रिजल्ट आएगा तो दोस्तों यहाँ पे कुछ बच्चे फेल भी होंगे, अगर बच्चे यहाँ पे फेल होते तो ये रुक जाना नहीं योजना के पेपर भी कंडक्ट कराए जाएंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जनरल प्रमोशन मिल जाता है 12th क्लास में या फिर 10th क्लास में, तो दोस्तों फिर ये योजना नहीं होती, क्योंकि ये योजना सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो 10th और 12th क्लास में फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों जैसे इसका यहाँ पर टाइम टेबल आता है या फिर इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे या फिर किसी प्रकार की कोई अपडेट आती है, मैं तुरंत आपको इसकी सूचना दूंगा। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको सभी अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहें। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब देने की यहाँ पे पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और आपको रुक जाना नहीं योजना का फॉर्म भरना ही ना पड़े। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।